एक निजी स्कूल दे प्रिंसिपल ते गोलियां चलन दा मामला सामने आया। दस दिए कि जिने ही ए प्रिंसिपल रात नूं अपने घर गड्डी दे विच वापसी कर रहा सी तां पिछों दी आई एक कार दे विचों कुछ बदमाशां दे वल्लों इस प्रिंसिपल दे उत्ते ताबड़तोड़ गोलियां चलाईआं गईआं। हालांकि जिवें ही पहली गोली चली तां प्रिंसिपल दे वल्लों अपनी कार दी रफ्तार हौली कर ली गई, जिस दे कारण ओह गड्डी रफ्तार ते होण कारण अगे निकल जांदी है ते बचाव दे विच प्रिंसिपल दे वल्लों भी अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर दे नाल गोलियां चलाईआं गईआं ने। हालांकि उस प्रिंसिपल दा कहना है कि गनीमत रही कि कोई गोली उसदे नहीं लगी, क्योंकि उसने पहला तो ही इस खतरे नूं भांफ लिया सी, जिस दे कारण उसका वड्डा बचा हो गया। तां खबर बटाला तो सामने आई है जिथे कि एक निजी स्कूल दे प्रिंसिपल ते जदों ओह रात नूं घर वापसी कर रहा सी तां उस समय गोलियां चलीआं ने। हालांकि उस प्रिंसिपल दा इह वी कहना है कि उसनूं 2 साल पहला किसी गैंगस्टर का फोन आया सी, जानो मारन की धमकी दी गई सी ते बदले दे विच 10 लाख रुपए की रंगदारी मंगी गई सी। हालांकि उसका कहना है कि उसकी कई बार रेकी की जा चुकी है। उसका इतों तक कहना है कि एक बदमाश उसके घर के बाहर रात को उसकी रेकी कर रहा है, जिस दियां सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आईया ने। हालांकि उसके वालों उसके घर के गेट के अंदर भी झाकिया जा रहा है, उसके हाथ के रिवॉल्वर फड़िया होया सी, पर उसके वालों पुलिस को शिकायत दी गई, पर कोई भी कार्रवाई अमल दे विच ना होने के कारण उसके उत्ते हुण दूजी बार यह हमला हो गया। तो दस दिए कि बटाला तो यह मामला सामने आया, जिथे कि हुण प्रिंसीपल दे वालों पुलिस प्रशासन के कोल इंसाफ की गुहार लगाई गई है। मैं प्रिंसीपल हरपिंदरपाल सिंह संधु मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल अलीवाल। सर घटना इस तरह है कि मैं रात 8:30 बजे पेट्रोल पंप करदियां राजपूतां तो आ रहा सी अपने घर वापस, तो गड्डी की स्पीड थोड़ी स्लो सी, नॉर्मल जी सी, और पिछों एक गड्डी आई है कार, और मेरे बराबर से आ के उन्होंने मेरे नज़दीक मेरी बारी से फायर किए हैं 2, तो मैं तो फिर ब्रेक मार ली एकदम, वो अगे निकल गए। मैं अपने मेरे को लाइसेंस वैपन है अपना, और मैं गड्डी चो उसे वे बाहर निकल के 2 फायर किए, वो दौड़ गए। कारण हूँ इन्ह दिनों दे विच तां कोई एहोजी घटना वापरी नहीं है, पर 2 साल पहला कोई बाहर दे किसी नंबर तो मैनू फोन कॉल आई हैं जिहड़ी कि 10 लाख की फरौती की मेरे को मांग की थी, और वो उदों मैं दरखास्त SSP साहब को खुद पेश होकर दिती सी, उन्होंने मैनू उदों 1.5 मंथ वास्ते सिक्योरिटी भी दिती सी। उस तो अलावा लास्ट नवंबर 2023 दे विच मैं बटाले तो अमृतसर तो आ रहा सी, रैली कलां दे नज़दीक मोटरसाइकिल ते मेरी रैकी कीती, पिछा कीता उन्होंने, जो मैं वैपन दिखाया तां ओह फिर दौड़ गए। इस तो अलावा जो मैं बटाले तो इस पर जनवरी की गल है 2024 बटाले तो वापस घर आ रहा सी, कोई 7 बजे का टाइम होना, उदों भी मोटरसाइकिल ते रैकी की गई है, पिछे पहला हॉर्न मारते रहे, फिर मेरे बराबर भी मोटरसाइकिल लैके आए हैं, तो वो भी मैं कंप्लेंट की है। और इस तो अलावा मेरे घर की 2 बार रैकी हो चुकी है, एक बार तो वैपन उन्होंने हाथ में सी जिहड़ा मेरे घर के CCTV फुटेज दे विच है, मेरे को रिकॉर्ड च मोबाइल च भी है, और उहदे विच उन्हां दे हाथ में वैपन बड़ा साफ नज़र आ रहा, और उहदी भी कंप्लेंट मैं थाना घणी अके बांगर अलीवाल दे चुका। ये जदों करदियां राजपूतां तो मैं अलीवाल बाईपास से एंटर किया, उत्ते नखासू पुल कहिंदे आ, उहदे उपर पुल दे उपर घटना हुई। किस व्हीकल ते आए सी? उहनां कोल कार सी। प्रशासन वालों कसा जाए ताकि बाहर आना जाना, अस काम कर बाहर तो जाना ही होंगे, तो इसलिए उन्होंने कार्रवाई की जाए।